नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं तो फिर आप काम क्यों करते हैं, किसी को फोन क्यों करते हैं कि आप SIP कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, और फिर आप कहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं। ऐसा क्यों करते हैं मुझे बताइए, जब आपके पास इतने पैसे हैं ही फिर काम क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक पिक्चर का नाम याद दिलाता हूँ। पिक्चर का नाम है फुकरे। फुकरे पिक्चर में जब भी हीरो एक बाइक लेके कहीं पे लगा देता था बाइक को, तो एक भिखारी उसका कभी टायर निकाल लेता था, कभी पेट्रोल निकाल लेता था। तो जब एक बार बाइक का टायर निकाल ही रहे थे कि हीरो ने उसको पकड़ लिया, उनको खूब धोया। उसके बाद मूवी थोड़ा आगे चला, एक महीने के बाद फिर से उसी चोर ने उनका मिरर खोल लिया, हेलमेट चुरा लिया। तो इस तरह से कहानी आगे चलता गया। एक बार हीरो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और बहुत उदास था, तो उस रास्ते से भिखारी भी गुजर रहा था, तो उस पे नजर पड़ा। तो उन्होंने कहा, ये बंदा तो कभी उदास रहता नहीं था, हमेशा बाइक लेके घूमते रहता था, मस्ती करते रहता था, आज इसको क्या हो गया। फिर वो भिखारी वो चोर उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई तुम उदास क्यों हो। चोर को देखते ही हीरो ने कहा, भाई तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, जो इसका निकाल के ले जाना है ले जाओ, पूरा का पूरा बाइक ही ले जाना है तो ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं पे बैठने दो। फिर भिखारी ने पूछा, भाई बताओ तो सही हुआ क्या है। फिर हीरो ने कहा कि मैं 25 लाख रुपया जुए में हार चुका हूँ, और यदि 7 दिन के अंदर मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो मेरे घर से फैमिली मेंबर्स को निकाल देंगे, पेरेंट्स को निकाल देंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो भिखारी ने कहा, चलो मेरे साथ। फिर हीरो ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँ। बोला, चलो तो यार मेरे साथ। भिखारी ने हीरो को अपने घर ले गया और एक वहां संदूक रखा हुआ था। हीरो ने जब संदूक खोला तो देख के दंग रह गए कि इतने सारे पैसे, और जब आपके पास इतने सारे पैसे हैं ही तो आप चोरी क्यों करते थे, भीख क्यों मांगते थे। फिर भिखारी ने कहा, भाई मैं नहीं करना चाहता हूँ चोरी, मैं नहीं मांगना चाहता हूँ भीख, पर वो जो आदत है पिछले 40 साल से मैं करता आ रहा हूँ, वो आदत नहीं छूटता है, वो जो कर्म हमने किए हैं वो हैबिट हमारा नहीं छूटता है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूँ, बस हो जाता है। ठीक उसी भिखारी की तरह मेरा भी हालत यही है कि मेरा कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। मैंने जो लोगों को अलग अलग शहर में जाके गाइड किया है, अलग अलग जाके लेक्चर दिया है, फिजिकल लेक्चर दिया है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है।